I'm very happy कि एक दिन इंटरनेशनल डांस डे को डेडिकेट किया है, बट आई थिंक एवरी डे शुड बी अ डांस डे. फॉर मी आई थिंक डांस इज एवरीवेयर एंड इट्स फॉर मी इट्स अ वे ऑफ लाइफ. और आज जो कुछ भी हूँ मैं डांस की वजह से हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाउंड अ टीचर इन नूतन जी जो यहाँ पे हैं. नमस्ते, हाय. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मेरी टीचर है एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हर टुडे. हर इंसान को टीचर चाहिए होता है, ज़रूरी है. सो फाइंड योर टीचर, फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डांस यू लाइक, गो फॉर इट, डू इट एंड स्टे हैप्पी एंड कीप डांसिंग. बिल्कुल. आज हमने कथक देखा आपकी तरफ से, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ था एंड जो आपने किया इसके बारे में. ये ऑफकोर्स मुझे दीदी ने सिखाया है तो उसके बारे में इन्हें ही समझाना चाहिए. हेलो, श्रिया ने अभी कथक किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नृत्य पक्ष किया. नृत्य मीन्स नर्तन के दो प्रकार है, नृत्य यानी प्योर डांस, नृत्य जो अभिनय के साथ किया जाता है. तो ज़्यादा करके आज श्रिया ने आपके सामने नृत्य पक्ष प्रेजेंट किया है. और छोटा सा एक थाट बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा कथक का, उसमें भगवान कृष्ण को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है श्रिया ने. तो यही अभी उन्होंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की. तो आप बताइए ये आपके लिए कितना इजी हो जाता है, कितना टफ रहता है ये इस तरह का? मुझे बहुत खुशी मिलती है डांस करने से, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन आई एम लो, व्हेन आई एम अनहैप्पी, मैं थोड़ा सा डांस करती हूँ, व्हेन आई गेट आउट ऑफ इट आई यू नो आई स्नैप आउट ऑफ इट. बिकॉज ऑफकोर्स एक चीज़ तो है कि डांस से आपके बहुत हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं. But also what happens is that it's, for me it's my best friend. For me it's like something that I always do. मैं खुश हूँ तो मैं डांस करती हूँ, if I'm unhappy I dance. So और you know I've had a bad day or a tough day or बहुत hectic shoot, जैसे ही ख़त्म होती है मैं दीदी के पास डांस क्लास के लिए चली जाती हूँ. हाँ, ये उसका विशेष है. कभी भी इतना सा भी टाइम मिलता है वो हमेशा मेरे इधर आती है और डांस करती है. कहती है अच्छा जो मैंने तुम्हें पहले सिखाया था वो करके दिखाओ. सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं क्या कहना चाहती हूँ, भूल जाते हैं का सवाल नहीं है. इतने सारी चीज़ें होती है ना नृत्य पूरा इस फील्ड में, तो कभी मैं एकदम उसको वंदना बोलूँ कुछ तो वंदना करो, तो उसको थोड़ा तो रिवाइज करना पड़ता है मेंटली. भूल जाना ये नहीं मैं बोल सकती हूँ, हमें वापस एक उसको याद करने के लिए थोड़ा सा मार्किंग करना पड़ता है, दैट्स ऑल आई फील. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इससे कि डांस से कोई भी आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म आप करें ना, तो आपको उसका रियाज करना ही पड़ेगा. चाहे आपको लगता है कि अभी तो मेरा मास्टरी हो गई, मगर आप जब छोड़ते हो उसे तो वो भी आपको छोड़ देता है. करेक्ट. सो आप जितना आप छोड़ते हो उससे ज़्यादा छोड़ देता है, तो आपको उसका रियाज करना पड़ता है बारी 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 बारी, और फिर कहीं जाके वो आपकी मसल मेमोरी में आता है और कहीं जाके वो आपको याद होता है. सो आई फील लाइक फर्स्ट थिंग दैट डांस टीचेस मी इज प्रैक्टिस, पेशेंस, साधना एंड बीइंग ग्रेटफुल. क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है अब तो मुझे ये आ गया, आई एम परफेक्ट, and then suddenly I fall sick or suddenly I'm not well. Or so it also teaches you ki grateful hona kitna zaruri hai and how important it is to be thankful for every day. Ki aaj main dance kar payi, aaj main ghungru pehen payi, to uske liye I'm so grateful. Correct. Ki aaj main dance kara aur apni tai se unse aashirwad liya and I'm grateful for that. Wow, so those things are very important, they teach you. Super. Iske alawa aaj aapki film ka trailer bhi aaya. Yes.
मैं दीदी को भी बताऊंगी, मैं दीदी को भी बताऊंगी और आप लोग को भी बताऊंगी कि दीदी मेरी 12 मई को फिल्म आ रही है, उसका नाम है म्यूजिक स्कूल, उसमें उसमें शर्मन जोशी भी हैं और उसको जो डायरेक्ट किया है ना, पहली बार उन्होंने डायरेक्ट किया है और उनकी ड्रीम थी इस तरह कि हमें एक फिल्म डायरेक्ट करूँगा, जबकि वो एक एंड देन ही इज डन दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल जिसमें 12 गाने हैं एंड इट हैज इलैयाराजा सर्स म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स बिकम पार्ट ऑफ द फिल्म, द मूवी गोज मूव्स विद द सॉन्ग्स. आप लोग को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर ये फिल्म है कि प्रेशर ऑन चिल्ड्रन की, मतलब वो समझ नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं. उससे पहले ही उनको बता दिया जाता है कि उन्हें क्या ड्रीम्स देखनी है और क्या अचीव करना है. एंड एज पेरेंट्स नोइंगली अनोइंगली वी पुट अवर ओन प्रेशर ऑन देम, हमारे वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ ईगो बन जाते हैं, मेरा बच्चा. सो इट्स बट इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी. थैंक यू सुबह से आगे बैठा, जल्दी कर.